क्या दोस्तों आपका बैगन का पत्ता भी इस तरीके से मुड़ रहा है? अगर आपके बैगन का भी पत्ता इस तरीके से मुड़ रहा है तो आप लोग सही वीडियो में आए हैं, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आखिर बैगन का पत्ता इस तरीके से मुड़ता क्यों है, और बैगन का पत्ता जब इस तरीके से मुड़ता है तो इतना ज्यादा नुकसान पहुंचता है बैगन के पौधे के ऊपर कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि पूरा प्लॉट को एकदम खत्म कर देता है इस पत्ते मोड़ने के कारण। तो क्या ये एक रोग है? तो बिल्कुल गलत, ये रोग नहीं है, ये किसी दूसरे कारण से होता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर बैगन का पत्ता मुड़ता क्यों है, इसका पीछे क्या कारण है, इसका सिम्टम्स क्या है, और इसको हम लोग कैसे ऑर्गेनिक और केमिकल तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, पूरी जानकारी इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है, तभी आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगा। बट उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर बैगन का पत्ता इस तरीके से मुड़ता क्यों है। तो आप लोगों को बता देते हैं कि किसान भाई अगर सोचते हैं कि बैगन का पौधे का पत्ता इस तरीके से मुड़ रहा है तो ये एक रोग है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये कोई भी प्रकार की रोग नहीं है, ये जो है ये एक सकिंग पेस्ट यानी कि रस चूसक कीटों के वजह से होता है, और जो कि होता है उसको व्हाइट फ्लाई यानी कि सफेद मक्खी होता है। ये शुरुआती चरणों में आप लोगों को ज्यादातर देखने को मिलता है, जब पौधा ग्रो कर जाता है, बड़ा हो जाता है, फल फूल लग जाता है, उसके बाद आप लोगों को ये बीमारी उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। जब शुरुआती अवस्था में वनस्पति अवस्था है तो बैगन का पौधे का, और उस समय सबसे ज्यादा ये व्हाइट फ्लाई यानी कि सफेद मक्खी का प्रकोप होता है, और सफेद मक्खी का प्रकोप की वजह से ये पत्ता मुड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि इसका सिम्टम्स क्या है, यानी कि इसका लक्षण क्या होता है। तो जैसे कि आप लोग अगर बैगन के पौधे के ऊपर देखेंगे तो पत्ता जो है वो धीरे धीरे पत्ता थोड़ा थोड़ा मुड़ा हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन मिर्च का पत्ता जैसे कि नीचे की तरफ भी मुड़ता है या फिर ऊपर की तरफ भी मुड़ता है ऐसा होता है, लेकिन बैगन का पौधे का पत्ते का इस प्रकार की कोई भी नहीं है। बैगन के पौधे का पत्ता सिर्फ आपको ऊपर की तरफ ही मुड़ा हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि व्हाइट फ्लाई जो है वो उसके नीचे अंदर बैठ जाता है और पूरे एकदम क्लोरोफिल को चूसते रहता है, जिस वजह से पत्ता ऊपर की तरफ ही मुड़ता है। तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं कि सफेद मक्खी का लाइफ साइकिल यानी कि जीवन चक्र कैसा होता है। तो आप लोगों को बता देते हैं कि सफेद मक्खी का 4 स्टेज होता है। सबसे पहले तो पत्ते की निचली सतह पर ये एक बार में लगभग 100 से 150 अंडे देता है, उसके बाद उस अंडे से निम्फ निकलता है, और ये जो निम्फ होता है यही 80% नुकसान पहुंचाता है, सफेद मक्खी नहीं। और उसके बाद वहीं से प्यूपा तैयार होता है, और फिर से वहीं से एडल्ट जो है यानी कि सफेद मक्खी तैयार होता है। तो इस तरीके से इसका जीवन चक्र चलता है। तो किसान भाई गलती क्या करता है कि जब सफेद मक्खी का प्रकोप होता है उसके पत्ते के अंदर, तो क्या करता है कि दुर्गंध युक्त कोई भी कीटनाशक को स्प्रे कर देते हैं और सोचते हैं कि हमारा जो व्हाइट फ्लाई है वो तो खत्म हो गया है, अब पत्ता जो है वो नहीं मुड़ेगा। तो ये बिल्कुल गलत है, वो उसकी वजह से पत्ता नहीं मुड़ता है, उसका जो मेन कारण होता है वो होता है नीम, और वो जो नीम होता है वही पत्ते का क्लोरोफिल को चूसते रहता है। तो आपको सबसे पहले नीम को खत्म करना है। तो नीम को आप लोगों को कैसे खत्म करना है वो आगे जाके आप लोगों को बता रहे हैं। तो उससे पहले जान लेते हैं ये कब और कैसे फैलता है। तो देखिए ये जो है ये दो कारण से ज्यादातर देखने को मिलता है। सबसे पहला कारण होता है टेम्परेचर, यानी कि जब तापमात्रा हाई हो जाता है तो उस समय व्हाइट फ्लाई यानी कि सफेद मक्खी का प्रकोप ज्यादातर देखने को मिलता है। और इसका जो दूसरा कारण है वो होता है बैगन का किसी दूसरे प्लॉट से इसका प्रकोप होना। यानी कि क्या होता है कि मान के चलिए आपका जो बैगन का प्लॉट है वो तो है, लेकिन दूसरे पास में और भी किसी फार्मर का अगर बैगन का प्लॉट है और वो व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए कोई भी दवा को छिड़काव कर दिया, तो वो क्या होता है कि उस व्हाइट फ्लाई जो है वो आपके प्लॉट में आ जाता है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग स्प्रे करेंगे तो एक साथ में करेंगे तो अच्छा होता है, लेकिन ये ज्यादातर होता नहीं है। तो ये आप लोग सोच समझ के देख लेना चाहिए और उसके बाद दवा को छिड़काव करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर हम लोग इसको किस तरीके से अपनी फसल पर प्रकोप ही ना होने दे, और अगर किसी भी तरीके से एक बार हो जाता है तो उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, चलिए आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों अगर आपका बैगन के प्लॉट के अंदर व्हाइट फ्लाई का प्रकोप नहीं होने देंगे तो उसके लिए आप लोगों को 2-3 काम पहले एडवांस में करना है। तो क्या वो 2-3 काम है, चलिए आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को जैसे बैगन का पौधा लगभग 20 से 25 दिन हो जाता है तो उस समय आप लोगों को येलो स्टिक और ब्लू स्टिक का प्रयोग करना है। उसके अलावा दूसरा काम ये करना है कि पौधा जब वेजिटेटिव स्टेज में होता है तो उस समय आप लोगों को नीम ऑयल का प्रयोग करते रहना चाहिए लगभग 8 से 10 दिन अंतराल पर। बाजार में आप लोगों को बहुत सारी लोकल कंपनियों का भी नीम ऑयल मिलता है, लेकिन उसको आप लोगों को यूज नहीं करना है। आप लोगों को जो अच्छा कंपनियों का होता है जैसे कि इप्पो का होता है या फिर और भी किसी दूसरे अच्छी कंपनी का होता है उसको आप लोगों को प्रयोग करना है, और उसका जो डोज रखना है वो आप लोग को 1 लीटर पानी में 5 ml के हिसाब से डोज रखना है, और अच्छी तरीके से छिड़काव करते रहना चाहिए। और ये सारे काम आप लोग जब करेंगे तो ये जरूर ध्यान रखें कि उसके साथ सुपर स्प्रेडर जो होता है
उसको आप लोगों को मिलाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जितने सारे व्हाइट फ्लाई या फिर सकिंग पेस्ट होता है वो पत्ते के निचले सतह पे होता है, और पत्ते के निचले सतह पे कोई भी प्रकार की दवा पहुंच नहीं पाता है, जिसके कारण आपको सुपर स्प्रेडर का यूज करते रहना चाहिए दवा के साथ, तब जाके आपका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ये सब काम करने के बावजूद भी अगर आपकी फसल के अंदर कोई भी प्रकार की सफेद मक्खी अटैक हो जाता है तो उसको हम लोग कौन सी दवा को, केमिकल दवा को छिड़काव करके कंट्रोल कर सकते हैं, चलिए आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को बता देते हैं कि जो भी हम दवा बता रहे हैं इस कंपोजिशन का अगर किसी भी दूसरे कंपनी का यूज करना चाहते हैं आप लोग तो आप लोग कर सकते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलरली इसी को प्रयोग करना है ऐसा कोई बात नहीं, आप लोग किसी भी अच्छा ब्रांड का होना चाहिए और आप लोग आसानी से उसको भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को यहाँ पर जो हम दवा बता रहे हैं वो कौन कौन सा दवा होता है वो आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहला जो दवा है वो होता है व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही एक पॉपुलर दवा जो कि बायर कंपनी का आता है, मोवेंटो एनर्जी। जी हाँ, मोवेंटो एनर्जी एक ऐसा दवा होती है जो कि व्हाइट फ्लाई का लाइफ साइकिल जो होता है वो चार स्टेज होता है, और इस चारों स्टेज को ये मारता है मोवेंटो एनर्जी, और जिस वजह से व्हाइट फ्लाई को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। तो मोवेंटो एनर्जी को आपको लगभग 25 से 30 ml प्रति 15 से 16 लीटर के पानी में मिला करके छिड़काव करना है। और ये जरूर ध्यान रखें कि कोई भी दवा छिड़काव जब करेंगे, पहले आप लोगों को बता चुके हैं कि स्प्रेडर यानी कि सुपर स्प्रेडर जो होता है उसको आप लोगों को प्रयोग करना है। जैसे कि बाजार में आप लोगों को एरिस्टा कंपनी का सिलोएट गोल्ड मिलता है, उसको भी आप लोगों को 2 ml के हिसाब से यूज करना है, चाहे कोई भी दवा जब छिड़काव करेंगे सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो उसके अलावा जो दूसरा दवा आपको बता रहे हैं व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए, वो भी एक काफी स्पेशलिस्ट दवा है जो कि व्हाइट फ्लाई यानी कि सफेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए, जो कि होता है UPL कंपनी का उलाला या फिर सुवाल कंपनी का पनामा। दोनों में सेम कंपोजिशन है, अच्छा कंपनी है और अच्छा प्रोडक्ट है, ये भी बहुत ही अच्छा काम करता है व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए। तो उसको भी आप लोगों को 10 ग्राम प्रति 15 से 16 लीटर के पानी में मिला करके छिड़काव करना है, लेकिन हाँ सुपर स्प्रेडर जरूर से भूलिएगा मत, उसको भी यूज करना है 2 ml के हिसाब से, तो अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अब जो तीसरा दवा बता रहे हैं वो होता है BSF कंपनी का सेफिना। जी हाँ, सेफिना भी बहुत ही अच्छा एक दवा है व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए, उसको भी यूज कर सकते हैं। उसको आप लोगों को 25 से 30 ml प्रति 15 से 16 लीटर के पानी में मिला करके छिड़काव करना है, लेकिन इसके साथ आप लोगों को और एक कॉम्बिनेशन लेना है जो कि बाजार में आपको UPL कंपनी का लेंसार गोल्ड नाम पर मिलता है, उसको आप लोगों को यूज करना है। क्योंकि पता है सेफिना जो है ये कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है, और इसके साथ सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड मिलाना बहुत ही जरूरी है, और उसके लिए आप लोगों को लेंसार गोल्ड बहुत ही बेस्ट निकल करके आता है। तो लेंसार गोल्ड को आप लोगों को 25 से 30 ग्राम लेना है, और सेफिना को भी आप लोगों को 25 से 30 ml लेना है 15 से 16 लीटर के पानी के हिसाब से, दोनों को मिक्स करके आप लोगों को छिड़काव कर देना है। उसके अलावा चौथा जो दवा बता रहे हैं वो होता है बेस्ट एग्रो लाइफ साइंस का रोनफेन नाम का दवा। जी हाँ, ये भी एक बहुत ही अच्छा दवा है, इसको भी आप लोग यूज कर सकते हैं 25 से 30 ml प्रति 15 से 16 लीटर के पानी में मिला करके। और उसके अलावा जो पांच नंबर में दवा आती है वो होता है GSP कंपनी का SLR 525, जो कि काफी अच्छा दवा है। इसके अंदर भी पायरीफॉक्सीपेन और डाइफेन्थ्यूरोन का कॉम्बिनेशन मिलता है, और अच्छे से ये सब दवा को अगर आप लोग घुमा फिरा के छिड़काव करते रहते हैं तो आपका फसल में कोई भी प्रकार की व्हाइट फ्लाई का प्रकोप होगा ही नहीं, और हो भी जाता है फिर भी इस दवा को छिड़काव करके आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपका बैगन के फसल के अंदर व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आप लोगों का फिर भी मन में कुछ सवाल है तो नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो डालते रहते हैं।